अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पुलिस विभाग में आरक्षक से नौकरी ज्वाइन कर एसआई तक पहुंचने वाले नर्मदा प्रसाद प्यासी बुधवार को रिटायर हो गए, जिन्हें एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्वास्थ्यपूर्ण आगे का समय काटने की कामना की। इस दौरान रिटायर्ड एसआई नर्मदा प्रसाद प्यासी ने कहा कि उन्होंने लगन से पुलिस की नौकरी करते हुए जन सेवा की है और उन्हें अपने इस कार्यकाल पर गर्व है। आइए दिखाते हैं विदाई समारोह और सुनाते हैं रिटायर्ड हुए एसआई नर्मदा प्यासी ने क्या कहा है। कैसा रहा ये आपका कार्यकाल और आज कैसा महसूस कर रहे हैं रिटायर होने के बाद? हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा था, मैं पुलिस विभाग की नौकरी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और बहुत खुशहाल होकर के अपना पूरा कार्यकाल 42 साल 6 महीना बिताया और पुलिस में जो दायित्व दिए गए हैं उसका पालन करना और जन सामान गरीब की सेवा करना ये बहुत बड़ी हमारे पुलिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है। इसको निर्वाह करने में बड़ा आनंद और सुख महसूस होता है कि हमने किसी गरीब की मदद की। अभी एडिशनल एसपी ने आपको माला वगैरह पहना के ये हमारे माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे उनके बीच में पहले भी आप कार्यकाल में रह चुका हूँ। क्या नाम? हमारा नर्मदा प्रसाद प्यासी नाम है। कौन से पद में थे अभी आप? मैं सहायक उप निरीक्षक के पद में थे। आज रिटायरमेंट? जी, आज सेवा में। माला पहनो यार, तब ना देखेगा वो। हां, की रिटायर हो गए। हां, अरे पता चली कब हो गया। ठीक, वैसे खड़े हो जाओ तुम लोग, जल्दी फोटो उतार के। हां, और आ जा जरा, देखेगा का पूरे रूम से हम ना रहे। माला हो ना।